वेलकम टू डेली डोज ऑफ 15 एमसीक्यू। 15 एमसीक्यू के डेली डोज में आप सभी का स्वागत है। आज के 15 एमसीक्यू सवाल 52 kg रेल पर निर्भर हैं। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द एक्चुअल वेट ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल का वास्तविक वजन क्या होता है? तो 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल का वास्तविक वजन होता है 51.89 किलोग्राम, यानी कि 51.89 kg। दूसरा सवाल, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या होता है? और इसका सही जवाब है 6615 mm² या 66.15 cm². व्हाट इज द विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है? तो 136 mm। प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वेव ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के वेव की मोटाई कितनी है? तो 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के वेव की मोटाई 15.5 mm है, 15.5 mm। व्हाट इज द विड्थ ऑफ हेड ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के हेड की चौड़ाई कितनी है? तो 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल के हेड की चौड़ाई 67 mm या 67 mm है। प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द हाइट ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 52 किलोग्राम प्रति मीटर रेल की ऊंचाई कितनी है? तो 156 mm, 156 mm। प्रश्न संख्या 7, व्हाट इज द जीएमटी लाइफ ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 72 UTS रेल, 52 किलोग्राम प्रति मीटर 72 UTS रेल का जीएमटी जीवन काल कितना है? 350 GMT। व्हाट इज द जीएमटी लाइफ ऑफ 52 kg पर मीटर रेल। 90 UTS रेल, 52 किलोग्राम प्रति मीटर 90 UTS रेल यानी 90 UTS रेल का GMT जीवन काल कितना होता है? 525 GMT। प्रश्न संख्या 9, व्हाट इज द GMT लाइफ ऑफ 52 kg पर मीटर 72 UTS रेल एट ऑल इंपॉर्टेंट ब्रिजेज, मेजर ब्रिजेज वेयर बैंक हाइट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5.0 मीटर, ऑल टनल्स एंड अप्रोचेज ऑफ ऑल दीज अप टू 100 मीटर। सभी महत्वपूर्ण पुलों, बे मेजर पुल जिनके तट की ऊंचाई 5 मीटर से ज्यादा है, 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा है, सभी सुरंगें और इन सभी के 100 मीटर तक पहुंच मार्गों पर 52 किलोग्राम प्रति मीटर 72 UTS रेल का जीवन काल क्या होता है? इन सभी स्थानों पर रेल का 52 किलोग्राम रेल का जीवन काल उनके मौलिक जीवन काल का 50% होता है, अतः इसका जवाब होगा 175 GMT। प्रश्न संख्या 10, व्हाट इज द जीएमटी लाइफ ऑफ 52 kg पर मीटर 90 UTS रेल एट ऑल इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस वेयर बैंक हाइट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5.0 मीटर, ऑल टनल्स एंड अप्रोचेज अप टू 100 मीटर। सभी महत्वपूर्ण पुलों, मेजर पुलों जहां तट की ऊंचाई 5 मीटर और उससे ज्यादा है, सभी सुरंग और 100 मीटर तक पहुंच मार्गों पर 52 किलोग्राम प्रति मीटर 90 UTS रेल का जीएमटी जीवन काल क्या होता है? यहां पर भी इन सभी स्थानों पर जीवन काल मौलिक जीवन काल का 50% होता है। मौलिक जीवन काल 525 है, अतः उसका 50% 262.5 GMT। प्रश्न संख्या 11, परमिटेड लिमिटिंग लॉस ऑफ वियर इन परसेंटेज ऑफ 52 किलोग्राम रेल सेक्शन। 52 किलोग्राम रेल सेक्शन में कितने प्रतिशत घिसाव की कमी अनुमत है, यानी संक्षारण के कारण उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में कितने प्रतिशत की कमी परमिटेड है, उससे अधिक कमी होने पर रेल के बदलाव की आवश्यकता हो जाती है? तो इसका सही जवाब है 6% या 6%। प्रश्न संख्या 12 में है, हाउ मच बियर इन वेव और फुट इन 52 kg पर मीटर रेल इज परमिटेड, यानी कि 52 किलोग्राम रेल प्रति मीटर के वेव में या फुट में कितने घिसाव अनुमत है जो
बियर संक्षारण के कारण होता है, जंग लगने के कारण होता है। तो इसका सही जवाब है 1.5 mm, 1.5 mm। प्रश्न संख्या 13, हाउ मच वर्टिकल वियर इन 52 kg पर मीटर रेल इज परमिटेड। 52 किलोग्राम रेल प्रति मीटर में कितना ऊर्ध्वाधर घिसाव अनुमत है, अर्थात रेल की ऊंचाई कितना कम हो जाने पर उस रेल का बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। तो इसका सही जवाब है 8 mm, 8 mm। प्रश्न संख्या 14, हाउ मच लैटरल बियर इन 52 kg पर मीटर रेल इज परमिटेड इन अ स्ट्रेट ट्रैक ऑन ग्रुप ए बी सी एंड डी रूट। समूह ए बी सी और डी मार्ग पर सीधे ट्रैक में 52 किलोग्राम रेल प्रति मीटर में कितना पार्श्व घिसाव अनुमत है, अर्थात लैटरल बियर की लिमिट पूछी गई है कि कितना घिसाव के बाद उस रेल को बदल देना पड़ेगा। तो इसका जवाब है कि सीधे मार्ग पर लैटरल बियर ए और बी रूट पर 6 mm तक परमिट है और सी और डी रूट पर 8 mm तक परमिट है। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 15, कि हाउ मच लैटरल बियर इन 52 kg रेल पर मीटर इज परमिटेड इन कर्व ऑन ग्रुप ए बी सी एंड डी रूट। समूह ए बी सी और डी मार्ग पर वक्र में 52 किलोग्राम रेल प्रति मीटर में कितना पार्श्व घिसाव अनुमत है। इसके पहले हमने देखा कि सीधे ट्रैक पर, तो कर्व ट्रैक पर सीधे ट्रैक से ज्यादा घिसाव होता है, अतः यहाँ घिसाव की अनुमत सीमा उससे ज्यादा रखी गई है। तो यहाँ ए और बी रूट पर 8 mm होगी और सी और डी रूट पर 10 mm होगी। इसी के साथ है आज के 15 सवालों की प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइक इन एडवांस।